सनी देओल की गदर 2 तो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा रही है। ओपनिंग डे से लेकर अब तक सनी देओल और अमीषा पटेल की यह फिल्म रोजाना तगड़ी कमाई कर रही है। पांचवें दिन फिल्म ने जो कलेक्शन किया है वो फिल्म क्रिटिक्स की कल्पना से भी परे है। 15 अगस्त पर फिल्म ने 55.40 करोड़ का विस्फोटक कलेक्शन किया है। वहीं बॉक्स ऑफिस पर फिल्म वर्ल्ड वाइड अब तक करीब 230 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। ऐसे में फिल्म के 450 करोड़ का आंकड़ा पार करने की उम्मीद जताई जा रही है। जहां एक ओर लोग तारा सिंह की पाकिस्तानी एंट्री वाले सीन को खासा पसंद कर रहे हैं, तो वहीं सलमान खान भी अपनी फिल्म टाइगर 3 में सनी देओल की फिल्म के ट्रैक की तरह ही पाकिस्तान का बॉर्डर पार करने की सोच रहे हैं। यानी टाइगर 3 का प्लॉट भी गदर 2 जैसा ही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टाइगर 3 में सलमान खान एक जासूस एजेंट के तौर पर पाकिस्तान जाएंगे। फिल्म में भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुठभेड़ को दिखाया जाएगा, जिसके लिए मेकर्स पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। फिल्म में इमरान हाशमी को ISI एजेंट के रूप में दिखाया जाएगा और सलमान खान दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए बॉर्डर पार कर पाकिस्तान जाएंगे। खबर है कि सलमान खान की टाइगर 3 इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है और सलमान इसे लेकर काफी बिजी भी हैं। फिल्म को मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। एक बार फिर सलमान के ऑपोजिट कैटरीना कैफ नजर आने वाली हैं। इमरान हाशमी को खलनायक की भूमिका के लिए चुना गया है। वहीं खबर आ रही है कि फिल्म में शाहरुख खान भी एक छोटे से कैमियो में दिखाई देंगे, ठीक वैसे ही जैसे सलमान खान ने शाहरुख खान की फिल्म पठान में एंट्री मारी थी। हालांकि टाइगर के पिछले दोनों सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट साबित हुए हैं। अब देखना है कि टाइगर 3 में सलमान खान क्या कमाल करते हैं।